नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी भक्ति काल पढ़ रहे हैं और भक्ति काल में हम अष्ट छापी जो सगुण धारा के कवि हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और इसके पहले हमने अष्ट छाप के जो कम महत्वपूर्ण कह सकते हैं, जहाँ से थोड़े मोड़े क्वेश्चन आते हैं, उसको देख रहे थे। लेकिन आज हम जो जढ़िया कवि हैं और कवि गढ़िया नंददास जढ़िया, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी जो रचनाएं हैं और रचनाओं में जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं उनका विषय क्या है, जो कि विगत वर्षों में पूछा गया है, उसका हम क्या करेंगे देखेंगे। और रचनाओं को ट्रिक से बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास में ही याद कर लेंगे। तो नंददास, जैसा कि सभी लोगों को पता होना चाहिए कि नंददास जो है वो अष्ट छाप में सबसे छोटे कनिष्ठ कह सकते हैं, सबसे क्या थे, कनिष्ठ थे, सबसे छोटे थे। कनिष्ठ मतलब छोटा, तो अष्ट छाप में क्या है, सबसे छोटे कवि थे। हम देखते हैं नंददास है। नंददास का जन्म कब हुआ था, तो 1533 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, रामपुर सूकर खेत कह सकते हैं। सूकर खेत जो है वो तद्भव है, लेकिन खा का छा हो जाता है कहाँ, तत्सम में, तो सूकर क्षेत्र भी सही है। सूकर क्षेत्र एटा में इनका जन्म हुआ था। और सूकर क्षेत्र में बहुत सारे लोग तुलसीदास का भी जन्म मानते हैं। तो मैंने आगे लिखा भी है कि जो 252 वैष्णव की वार्ता है उसमें यह मिलता है कि ये तुलसी के भाई थे। ये नंददास जो थे वो क्या थे, तुलसीदास के भाई माने जाते हैं 252 वैष्णव की वार्ता में। ये है किसकी रचना, किसकी है, तो गोकुलनाथ की है। किसकी है, गोकुलनाथ की है। लेकिन इसमें शिष्य किसके हैं, तो वो है विट्ठलनाथ के शिष्य। अगर पूछ ले कि 252 वैष्णव की वार्ता में शिष्य किसके हैं, तो विट्ठलनाथ के हैं। और रचना किसकी है, इन्हीं के पुत्र थे गोकुलनाथ, उनकी रचना है। और जो 84 वैष्णव की वार्ता है वो उसमें किसके शिष्य थे, तो उसमें वल्लभाचार्य के थे। हमने बताया था पुत्र, जो पुत्र होता है वो पिता से आगे रहता है। तो विट्ठलनाथ के जो पिता थे कौन थे, वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य के कम शिष्य थे, 84 ही थे। और इनके कितने हो गए, 252, कितने, 252 वैष्णव की वार्ता। इसके बाद इनकी मृत्यु कब होती है, 1583 ईस्वी में। कहाँ होती है, गोवर्धन के मानसी गंगा तट पर। कहाँ होती है, गोवर्धन के मानसी गंगा तट पर इनकी मृत्यु होती है। पत्नी भी मैंने लिख दिया है, पत्नी कौन थी, कमला थी। कौन थी, पत्नी कमला थी। माना जाता है कि सूरदास के कहने पर इन्होंने विवाह किया था। होता है दोस्तों, पहले क्या होता था, अगर बड़े बुजुर्ग कह देते थे तो जो भी हो, चाहे बेटा हो चाहे पोता हो, वो वहीं पे शादी कर लेता था। अभी क्या है, लव मैरिज का जमाना है, नहीं मानते, अपने मन से सब देखते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, अगर कोई अपना है वो कह दे शादी करने के लिए, तो सब कर लेते थे बिना देखे ही। तो यहाँ पे क्या है कि नंददास जो है सूरदास के कहने पर विवाह करते हैं, किससे, कमला से, यह आ सकता है। और मैंने बताया अष्ट छाप में सबसे कनिष्ठ कौन थे, तो नंददास है। अष्ट छाप में सबसे कनिष्ठ कौन है, तो नंददास हो जाएंगे। ये बता ही दिया, 252 वैष्णव की वार्ता में तुलसी के भाई बताया जाता है इनको। अब इनकी हम रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं इनकी बहुत सारी हैं, तो उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। अनेकार्थ मंजरी क्या है, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई। यहाँ पे सब मंजरी वाली रचनाएं हैं यहाँ तक। अब देखना कि हम इसको कैसे अभी 2 मिनट में याद कर लेते हैं। क्या है, अनेकार्थ मंजरी। अनेक लोग क्या करते हैं, मान करते हैं, मान करते हैं, किसकी मांग करते हैं, अनेक लोग मांग करते हैं, मान को मांग कर लो, मांग करते हैं किसकी, रस की। क्या मांग करते हैं भाई, हमें
रस चाहिए, आनंद चाहिए, और रस मिलेगा कहाँ? रूप में मिलेगा। रस कहाँ मिलेगा? रूप में मिलेगा, रूप मंजरी। लेकिन क्या होता है लास्ट में? हमें विरह मिल जाता है। क्या होता है लास्ट में? हमें विरह मिल जाता है, और प्रेम की बस बारा खड़ी ही बन के रह जाती है। लास्ट में सगाई हो जाती है। क्या होता है? उसकी सगाई किसी और से हो जाती है, श्याम सगाई। फिर से देखो, अनेक लोग मांग करते हैं रस चाहिए, और रस कहाँ मिलेगा? रूप में, रूप चाहिए। लेकिन क्या होता है? विरह हो जाता है, विरह मंजरी, प्रेम बारा खड़ी बन के रह जाता है, और श्याम के साथ उसकी सगाई हो जाती है। दोस्तों यहाँ पूछ सकता है कि कौन सी रचना नंददास की नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, इस बात पे आप लोग फोकस करिएगा। जहां भी आपको पेपर में दिखे नहीं, तुरंत उस पे आप अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि इस तरह से हमारा ध्यान उस पे नहीं पे नहीं जाता, और जो हमारे सामने दिखती है फेमस रचना वही मान के हम हाँ वाला आंसर देके चले जाते हैं, नहीं पे हमारा ध्यान नहीं जाता। तो नहीं को आप लोग तुरंत अंडरलाइन किया करिए। तो नहीं अगर पूछेगा कौन सी नहीं है, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, ये सारी रचनाएं उनकी हैं, अगर ये ट्रिक याद रहेगी तो वो वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब ये पूछा गया है, इनके विषय देख लीजिए। अनेकार्थ मंजरी में क्या है? कोश ग्रंथ है। अनेकार्थ मंजरी क्या है? ये एक कोश ग्रंथ है। और इसमें क्या है मान मंजरी में? मान मंजरी में पर्याय ग्रंथ है। क्या है? मतलब ये पर्यायवाची ग्रंथ है। मान में क्या है? पर्यायवाची है। और रस मंजरी बहुत पूछा जाता है इसका विषय। रस किसमें रहेगा? नायिका में रहेगा। हमें रस की प्राप्ति कहाँ होगी? नायिका में। मतलब जो भी फिल्म हम देखते हैं, अगर उसमें सुंदर हीरोइन है, सुंदर नायिका है, तो हमें फिल्म अच्छी लगती है। लेकिन अगर नायिका ही गड़बड़ है, अच्छी नहीं है, राखी सावंत की तरह है, तो फिर फिल्म कैसी है? अच्छी नहीं लगेगी। तो रस मंजरी, रस कहाँ मिलेगा? नायिका में। रस मंजरी क्या है? ये नायिका भेद है। विरह नाम से ही पता चल रहा है। विरह में क्या है? विरह मंजरी में बारह मासा का भावात्मक वर्णन है। दोस्तों विरह मंजरी में क्या है? बारह मासा का भावात्मक वर्णन है। इसके बाद आगे देख लेते हैं कौन सी रचना है। दान लीला, मान लीला, गोवर्धन लीला। क्या है? दान करते हैं मान के लिए, और ये सब करते कहाँ है? गोवर्धन पर्वत पर। दान करते हैं मान के लिए, सम्मान के लिए, और करते कहाँ है ये सब? गोवर्धन पर्वत पर करते हैं। दान मान के लिए करते हैं, गोवर्धन पर्वत पर। इसके बाद सुदामा चरित भी है। सुदामा चरित रचना किसकी है? नरोत्तम दास की भी है। सुदामा चरित रचना और किसकी है अगर पूछे तो ये नरोत्तम दास की भी रचना मानी जाती है। और रुक्मणी मंगल है, भंवर गीत, जो कि इनकी बहुत ही फेमस रचना है, भंवर गीत और रास पंचाध्यायी। ये रचनाएं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, राजनीति हितोपदेश और दशम स्कंद भाषा। सुदामा चरित रुक्मणी, सुदामा रुक्मणी हो जाएगा। इसके बाद भंवर, भंवरे क्या करते हैं? रास करते हैं। सिद्धांत नहीं है उनका, बस राजनीति की तरह घूमते रहते हैं, और यही दशम स्कंद भाषा है। यही क्या है? दशम स्कंद भाषा है। फिर से देख लो, सुदामा है तो रुक्मणी है, और फिर क्या करते हैं? भंवर करते रहते हैं, रास लीला करते रहते हैं, सिद्धांत नहीं है, राजनीति ही उनका क्या है? राजनीति उनका पेशा है, और यही दशम स्कंद है। और अब देखते हैं कि भंवर गीत में क्या है। भंवर गीत क्या है? दो भागों में है। भंवर गीत क्या है? दो भागों में है। और इसका विषय क्या है? विषय पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान देना, विषय पूछा जाता है। इसका विषय है निराकार, जो निर्गुण ब्रह्म है, जिसके उपासक कबीर वगैरह है, जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है, उसके स्थान पर क्या है? उसके स्थान पर ये सगुण भक्ति की स्थापना, सगुण अर्थात कृष्ण भक्ति की स्थापना करना ही इस ग्रंथ का क्या था? उद्देश्य था। फिर से सुन लो, जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है, उसके स्थान पर सगुण ब्रह्म की स्थापना करना ही भंवर गीत जो रचना है उसका उद्देश्य था। इसके बाद है रास पंचाध्यायी।
तो रास पंचाध्याय में जो शब्द चयन है, जो इनका 1 मिनट, जो शब्द चयन, हाँ तो मैं बता रही थी, जो शब्द चयन है उनका रास पंचाध्याय में बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है। इसीलिए विठल नाथ ने, हमने यहाँ लिखा है, इसीलिए विठल नाथ ने इनको जड़िया कवि कहा। क्या कहा? जड़िया कवि, मतलब जो शब्द रखने जैसे कोई आभूषण बना दिया जाए तो वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसमें नग जड़ दिए जाए, अगर उसमें नग अच्छी तरीके से जड़ दिया जाए तो वो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का हो जाता है। उसी प्रकार इन्होंने जो शब्द रखे हैं वो नग की तरह रखे हैं, एकदम से जड़ दिए हैं, इसीलिए विठल नाथ इनको जड़िया कवि कहते हैं। और आगे चलकर फिर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको कह दिया और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। क्या कहा? और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। पूछा जाता है किसने कहा है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रचनाएं हम देख लिए हैं। रास पंचाध्याय बहुत पूछता है किस छंद में है, तो रोला, हमें याद नहीं हो रहा था रोला है कि सोठा है, तो हमने क्या किया, रास जो करते हैं रास लीला, जैसे रामलीला हो गई और कोई लीला होती गांव में होती रहती है, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं बहुत रास कर रहे हो, रास लीला, तो वो रोल करते थे ना, जैसे कहते हैं कृष्ण का रोल किया उसने, अर्जुन का रोल किया, तो रास लीला में क्या करते हैं, रोल करते हैं, रास लीला में क्या करते हैं, रोल करते हैं। तो रास पंचाध्याय में क्या, कौन सा छंद हो जाएगा, रोला छंद हो जाएगा। इस तरह से याद करेंगे तो चीजें ठीक ही रहेंगी। और यह क्या है, श्रीमद् भागवत के ऊपर आधारित है, श्रीमद् भागवत के कुछ अध्याय को लेकर यह लिखी गई है। और इसमें एक चीज याद रखना, जो गोपियां हैं वो क्या हैं, गोपियां आत्मा की प्रतीक हैं। क्या है इसमें, गोपी क्या है, आत्मा की प्रतीक है। और जो कृष्ण है, जो कृष्ण है, कृष्ण वो परमात्मा की प्रतीक है। क्या है? परमात्मा के प्रतीक है। इस चीज को याद रखना। रास पंच भंवर गीत में ये है, 1 मिनट, नहीं रास पंचाध्याय, सॉरी, रास पंचाध्याय में है ये कि गोपियां जो हैं वो आत्मा की प्रतीक हैं, लेकिन कृष्ण जो हैं वो परमात्मा के प्रतीक हैं। और इसमें राधा का उल्लेख नहीं है, इस बात को याद रखना, रास पंचाध्याय में राधा का उल्लेख नहीं है। इसके बाद लिखा है, नंददास की जो गोपियां हैं सबसे तर्कशील हैं, जैसे सूरदास की भी गोपियां हैं और जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी गोपियां हैं उद्धव शतक में, लेकिन अगर पूछे सबसे ज्यादा तर्कशील गोपियां किसकी हैं, किसकी हैं, नंददास की। सबसे ज्यादा तर्क की बात आए तो कौन होगा, नंद, कृष्ण नंद होंगे। तर्क कौन करता है सबसे ज्यादा, कृष्ण ही अपनी माँ यशोदा को ऐसी बातों, मतलब कुछ भी प्रश्न करती हैं तो ऐसे ऐसे जवाब दे देते हैं कि वो निरुत्तर रह जाती हैं, तो नंददास हो जाएंगे तर्कशील में सबसे ज्यादा। और पूछ सकता है कि श्याम सर नामक तालाब किसने खुदवाया, तो नंददास ने। श्याम सर नामक तालाब अपने गांव में किसने खुदवाया था, तो नंददास ने खुदवाया था। इस चीज को याद रखना। यहाँ पे जितने तथ्य हैं ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग अपने जहन में डाल लीजिए कि श्याम सर तालाब नंददास ने खुदवाया, नंददास की गोपियां सबसे ज्यादा तर्कशील है, नंददास और कवि गढ़िया नंददास जड़िया किसने कहा, शुक्ल ने, लेकिन जड़िया की उपाधि विठल नाथ ने दिया था। और यही है दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आराम आराम से हम सारी चीजें पढ़ते जाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम सूरदास को ऐसे ही पढ़ेंगे, सारी चीजों को पढ़ेंगे, उनके उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं सारा आप लोगों के सामने लेके आऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।